थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी टॉपिक को क्लियर करूंगा क्योंकि टॉपिक क्लियर करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक सही ढंग से टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा वीडियो में। तो दोस्त आज का जो टॉपिक करूंगा स्पेशली थोड़ा खाने पीने को लेकर आए, और थंबनेल जो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी सही ढंग से टॉपिक को क्लियर करता हूँ, फिर सभी चीज को सही ढंग से क्लियर करूंगा। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। तो आज का टॉपिक होने वाला है कि क्या आप सही तरीके से अपने दिमाग को भोजन देते हो क्या, जितना उसको चाहिए जो जरूरत है उस चीज को देते हो क्या। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चीज को समझना, क्योंकि दोस्त अगर आपके बॉडी में सही ढंग से एक दिन खाना नहीं जाए तो पूरा का पूरा बॉडी वर्कआउट करना बंद कर देता है। तो पूरे बॉडी को चलाने वाला जो दिमाग होता है, जिस दिमाग से हर चीज आप कर सकते हो, हर चीज को अचीव कर सकते हो, उस दिमाग को सही डाइट देते हो क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इन सब चीजों के बारे में पता होना और जानना भी। स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्लियर करूंगा दोस्त, एक एक चीज को समझना, एक दूसरे से कनेक्ट करना, सही ढंग से कनेक्ट कर पाओगे, और जब सही ढंग से कनेक्ट कर पाओगे तब जाके सही ढंग से समझ पाओगे। जब आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करते हो, उसको चार्जिंग में लगाते हो, चार्ज करते हो चालू करने के लिए। जब आपका पेट डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको क्या करते हो, उसमें भी भोजन देते हो उसको चार्ज करने के लिए। बड़ा सही तरीके से समझना इस चीज को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जब आपका माइंड डिस्चार्ज होता है तब आप उसको सही ढंग से कुछ देते हो या कूड़ा कचरा उसमें भर देते हो, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है कि अभी के टाइम में और अभी के जनरेशन के रिगार्डिंग मुझे नहीं लगता कि 100% कोई बंदा या बंदी अपने दिमाग को डिस्चार्ज होने के बाद सही ढंग से उसमें कुछ डालता भी है। अब आप ऐसे बोल सकते हो कि दिमाग डिस्चार्ज कैसे होता है, तो दोस्त दिमाग डिस्चार्ज 100% होता है क्योंकि जब आपका दिमाग ब्लैंक होता है, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, हर अच्छी चीज बुरी लगती है, तब समझ सकते हो कि आपका दिमाग डिस्चार्ज होता है। क्योंकि कुछ भी अगर करने का मन ना हो, कुछ भी सही ढंग से समझ में नहीं आए, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर कीड़ा है और कहीं ना कहीं दिमाग भी भूखा है, कुछ ना कुछ इसको देना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त अगर गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए तो उसमें पानी डाल देने से गाड़ी कभी भी नहीं चलेगी, जब चलेगी जब उसमें पेट्रोल डालोगे तभी जाके गाड़ी चलेगी। वैसे ही अपना लाइफ है, अगर लाइफ में कुछ भी अचीव करना होता है, लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुल करना रहता है, या लाइफ में कुछ भी ड्रीम होता है, टारगेट होता है, उस चीज को अचीव करना रहता है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका दिमाग सही ढंग से वर्क करे। लेकिन हम लोगों के साथ प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा सा चल रहा है, बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है, इस चीज को समझना। जब अपना माइंड डिस्चार्ज हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या भर देते हैं, क्रोध, लालच, लोभ, मोह, माया, यही सब चीजें भर लेते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल होते ही नहीं है, तो कैसे होगे दोस्त। क्योंकि बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इस चीज को समझना, जब बॉडी में एक दिन सही ढंग से खाना नहीं जाए और एक दिन उल्टा सीधा कुछ खा लो तो पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर हिल जाता है, पूरा बॉडी काम करना बंद कर देता है। तो दोस्ती तो अपना दिमाग है, और इसी दिमाग से अपना बॉडी भी चलता है, और अपना बैंक बैलेंस भी चलता है, अपने एजुकेशन सिस्टम भी चलता है, और अपने लाइफ का सक्सेस अनसक्सेस सब कुछ इसी दिमाग से चलता है। तो इस दिमाग को अगर सही ढंग से डाइट नहीं दिया जाए और सही ढंग से भोजन नहीं दिया जाए तो 100% कन्फर्म है दोस्त कि कभी भी सही ढंग से वर्कआउट नहीं करेगा। जो भी तुम अचीव करना चाहते हो, जिस भी पाथ पे जाना चाहते हो, जिस भी अवे पे जाना चाहते हो, कभी भी वहां तक नहीं जा पाओगे। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है दोस्त कि अगर अपने दिमाग को डाइट देना है, अपने दिमाग को भोजन देना है, तो कुछ सही ढंग का एजुकेशन, सही ढंग का नॉलेज, और सही ढंग का जो भी आपका ऐसे समझ सकते हो ना, जो बोला जाता है कि ज्ञान, नॉलेज, विद्या, बुद्धि, इन सब चीजों को देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि टाइम टू टाइम अपने माइंड को अपडेट करना और टाइम टू टाइम एजुकेशन देना, नॉलेज देना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बहुत सारे बंदे, बहुत सारे पर्सन गलती कहाँ पे कर देते हैं, एक प्रॉपर एजुकेशन ले लेने के बाद, एक प्रॉपर जॉब लेने के बाद, वो अपना लर्निंग का जो स्किल होता है उस चीज को बंद कर देते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चीज को समझना दोस्त, अगर लाइफ में सक्सेसफुल करना है, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है और अपने लाइफ में कुछ बड़ा ड्रीम रखे हो, तो हमेशा इस चीज को याद रखना, लर्निंग कभी भी बंद नहीं करना, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने माइंड को, अपने दिमाग को टाइम टू टाइम अपडेट करना
और सही ढंग से एजुकेशन देना, नॉलेज देना, ज्ञान देना, क्या सही है क्या गलत है, हर चीज को टाइम टू टाइम समझना। तो दोस्त सही में खुद अपने आप से पूछो कि तुम अपने दिमाग को क्या देते हो। अगर सही में कुछ देते हो तो कमेंट करके बताना कि क्या देते हो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।